तो गाइस जिन लोगों की भाषा हमको समझ में नहीं आ रही है बताना, ये देखिए बैठे हैं सब लोग दूर दूर से आए हुए। तो गाइस देखिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आया होगा, देख रहे हैं पूरा ईंटा की तरह ईंट नहीं आ रहे हैं, देख रहे हैं ना पूरा उस समय ईट। जय भारत भाई लोग, कैसे आप लोग, एकदम झक्कास हो गए। तो स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज है 1 फरवरी और टाइम हो रहा है 10:30 और आज हम जाने वाले हैं बनारस सारनाथ घूमने। सारनाथ बुद्ध पार्क ऐसे कुछ है घूमेंगे, अभी तो मैं गया खुद नहीं गया हूँ तो आज मैं जा रहा हूँ, अब देखते हैं कौन सा पार्क में घुसते हैं। तो गाइस बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, तो चलते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे को हुआ है नहाने में, क्योंकि बहुत ठंडी लग रही थी भाई, अभी देखो धूप हुई है तब भी ठंडी में परेशान हो गए थे। तो गाइस चलते हैं, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी क्योंकि ट्रेन हमारा इंतज़ार नहीं करती है, ट्रेन का इंतज़ार हमें करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं बन रही है ब्लॉक के साथ। तो गाइस अब आ चुके हैं बाहर, अब जा रहे हैं स्टेशन के लिए, अब स्टेशन पे जाके ट्रेन पकड़ेंगे तो तब जाके जाएंगे बनारस। तो चलते हैं स्टेशन पे, ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। तो गाइस आ चुके हैं अपने स्टेशन पे और टिकट भी हमने ले लिया है, और ट्रेन हमको छोड़ के जा नहीं सकती और टिकट लिए हैं तो टीटी हमको पकड़ पाएगा नहीं। तो चलते हैं सारनाथ, तो बन रही है हमारे ब्लॉक के साथ। तो गाइस ट्रेन बहुत भीड़ थी, अभी तो गाजीपुर आए हैं तो गाजीपुर में खाली हुई है, तो अब जाके सीट मिला है तो बैठे हैं। अभी देखिए पूरा खाली हो गई, नहीं तो हमको लगा कि सीट ही नहीं मिलेगा, चलना पड़ेगा खड़ा खड़ा। तो अभी ट्रेन बैठ चुके हैं, ये देखिए तो गाइस बने रही हमारे ब्लॉग के साथ। अभी हम पहुँचने वाले हैं सारनाथ, अभी बहुत टाइम लगेगा लेकिन आप तुरंत पहुँच जाओगे क्योंकि हम पहुँचाएंगे ना। ऑलरेडी हम आ चुके हैं सारनाथ, और ये देखिए पीछे मैं आपको दिखाता हूँ अभी के अभी वो वाला गुम्बद जो है कि जहाँ पे हम घूमने आए थे, ये देखिए पीछे है वहीं पे। अब इसमें टिकट वगैरह लेंगे तो फिर घुसेंगे, तो चलिए पहले टिकट लेते हैं उसके बाद घुसते हैं। तो गाइस पूरे 20 रुपये का टिकट लेके घुस चुके हैं हम इसमें अंदर, आप देख सकते हैं ये रहा। गाइस इसके बारे में मेरे को तो भी कुछ पता नहीं है, मैं तो आ गया घूमने के लिए। चलिए आपको बस व्यूज़ दिखाते हैं यहाँ का। ये सारनाथ है, सारनाथ जो उत्तर प्रदेश वाराणसी में पड़ता है सारनाथ, तो वहाँ का ये व्यू है, तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। तो गाइस आप पीछे देख सकते हो इसका नाम है धर्मेश स्तूप, जो वाराणसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ में है, और इसे मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने बनवाया था 500 ईस्वी में। सोचिए इतना बहुत ज़्यादा पुराना है। तो गाइस इसके बारे में अच्छे से यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं रोक के वीडियो, पूरा विस्तार से लिखा गया है कि मतलब ये कैसे बना था, किसने बनवाया था, कब बनवाया था, सब देख सकते हैं आप, लिखा गया है। और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है। तो गाइस देखने में बहुत मस्त लग रहा है, मन कर रहा है कि उसके ऊपर चढ़ जाएं वो टीला पे, लेकिन मना किया हुआ है इसलिए नहीं जाएंगे। देख सकते कितना मस्त, मतलब इसकी बनावट देखिए, ऐसे नीचे से नीचे चौड़ा है फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाके इतना बड़ा ऊपर बना दिया, इतना ऊंचा पे, देख रहे हो ना, उस पर पंछी भी घूम रही है। तो गाइस देखिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आया होगा, देख रहे हैं पूरा ईंटा की तरह ईंट नहीं आ रहे हैं, देख रहे हैं ना पूरा उस समय ईंट मिल गया पता ना कहाँ के, देख रहे एकदम पूरा खतरनाक का जोड़ा हुआ है किसी में, पता ना कितने सारे इसमें ईंट लगा होगा, देख सकते ये पूरा सीमेंट बालू से जोड़ा गया है, ये ईंट है पत्थर वाला, कुछ पत्थर भी हैं कुछ ईंटें भी हैं।
गाइस देख सकते हैं इतना सामने से तो आ गए, ऊपर भी देखिए यहाँ पे ईंटों को तोड़ तोड़ के उसमें डिजाइन टाइप का बना बना के बनाया गया चढ़ने के लिए खुदबूदार टाइप। देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कुछ टूरिस्ट लोग भी हैं इधर जो पूजा कर रहे हैं, बोल रहे थे कि भूटान उटान के हैं, कहीं भूटान के देख सकते हैं आप लोग हैं अभी आए हुए हैं। तो गाइस इन लोगों की भाषा हमको समझ में नहीं आ रही है, पता ना, ये देखिए बैठे हैं सब लोग दूर दूर से आए हुए हैं। तो गाइस हमने पूरा घूम लिया, अब चलते हैं देखते हैं आगे एक और शायद बुद्ध जी की बहुत बड़ी इमारत है, मूर्ति है, तो उसमें चलते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ।